हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है और आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन GMB पॉलिटेक्निक राजूला। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट बाई ई मेल और यू कैन डायरेक्टली गिव मैसेज और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। माई यूट्यूब चैनल इज सिविल एग्ज़ाम गुरु। इफ़ यू विजिटेड टू फर्स्ट टाइम, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो टीचिंग फॉर JEE एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर SSC JEE एग्ज़ाम एंड द ऑल स्टेट AE एग्ज़ाम like GPSC and others exam. Okay, so if you want to connect me, you have to subscribe my channel and let's start the overview of today's subject. आज के subject को overview को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस particular subject के अंदर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा ये subject है concrete technology और इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखने वाले हैं बच्चों। और इसमें आपको कंप्लीट आइडिया आएगा, कंप्लीट नॉलेज आएगा कि हमें जो है क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट के बारे में, और बाकी बहुत सारे डिटेल हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि GTU का ये कोर्स है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लिए ये कोर्स बनाया गया है। ये फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है और BE वालों के लिए भी ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सेम टू सेम सब्जेक्ट आता है बच्चों, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर आता है, जो थर्ड ईयर के अंदर आता है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी नाम इसका सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 3550602 है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कंप्लीट डिटेल जो है और इसके अंदर। तो बच्चों, ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो क्रेडिट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके में वीकली 3 लेक्चर्स आएंगे, ट्यूटोरियल कोई आएगा नहीं। प्रैक्टिकली जो है वो 2 प्रैक्टिकल आएंगे वीकली, मतलब 4 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। टोटल 7 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम मतलब थ्योरी मार्क की बात करें तो थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, और PA मतलब जो मिड सेमेस्टर की बात करते हैं, मिड एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो 30 मार्क्स का जो है आपका मिड एग्ज़ाम होगा। ESC मतलब प्रैक्टिकल जो वाइवा होता है वो जो है आपका 20 मार्क्स का वाइवा होगा, और 30 मार्क्स का जो है वो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो है आपको 150 में से मार्क्स दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहला हम लोग यूनिट 1 के अंदर बच्चों पढ़ने वाले हैं मटेरियल फॉर द कंक्रीट। कंक्रीट के लिए जो कौन कौन सा मटेरियल जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ सीमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट, मतलब सीमेंट जो है कंक्रीट बनाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। केमिकल कंपाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बॉक्स कंपाउंड एंड अदर फंक्शन, इट्स टाइप एंड द ग्रेड ऑफ द सीमेंट एंड इट्स यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फाइननेस, कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, IST, FST और साउंडनेस। ठीक है, 1.4 के अंदर रोल ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हमें पता है बच्चों, कॉन्क्रीट के लिए हमें 4 मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक होता है सीमेंट, दूसरा है सैंड, तीसरा है आपका एग्रीगेट और चौथा जो है वो आपका वाटर है। तो ये चारों मटेरियल को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फ्रेश कंक्रीट है और इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हार्डनेस, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ऑफ द कंक्रीट, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वर्केबिलिटी, मतलब कॉन्क्रीट के वर्केबिलिटी पे और कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम्प टेस्ट और कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वर्केबिलिटी ऑफ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द कॉम्पेक्शन, क्यूरिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड इफेक्ट ऑफ द क्यूरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एडमिक्सचर के बारे में। तो एडमिक्सचर क्या होता है, उसकी
क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने प्रकार का एडमिक्सचर होता है, एडमिक्सचर का इफेक्ट कंक्रीट के ऊपर क्या पड़ने वाला है, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, हम लोग देखने वाले हैं हार्ड कंक्रीट के बारे में। जैसे कंक्रीट आपका हार्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंक्रीट के कंप्रेसिव टेस्ट के लिए, क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट क्या होगी, कंक्रीट की इकोनॉमी क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट NDT टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से ग्रेड के लिए हम लोग कॉन्क्रीट की मिक्स डिज़ाइन करना पड़ता है, कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन और उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉर्मल मिक्स डिज़ाइन और कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर, डिफरेंट मैथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन एंड इस सुटेबिलिटी, अलग अलग कौन कौन सा मैथड है, IS मैथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 10262, और उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ चैप्टर नंबर 6 की तरफ, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्क्रीट। तो कौन कौन से स्पेशल टाइप ऑफ, लाइट वेट कॉन्क्रीट क्या होता है, पॉम कॉन्क्रीट क्या होता है, फाइबर एनफोर्स कॉन्क्रीट क्या होता है, पॉलीमर कॉन्क्रीट क्या होता है, हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट क्या होता है, नो फाइन कॉन्क्रीट, फेरो सीमेंट, फ्लाई एश कॉन्क्रीट, पम्प कॉन्क्रीट एंड द रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। तो अलग अलग टाइप्स के कॉन्क्रीट हम लोगों को स्टडी करना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार का कौन कौन सा रिपेयर और टेक्निक है क्रैक्स रिपेयरिंग के लिए। तो उसके लिए हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स रिपेयरिंग टेक्निक जो है वो हमें स्टडी करनी है अलग अलग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के 8 के अंदर, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे 8 के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथडोलॉजी हैं, और लेटेस्ट कौन कौन से जर्नल्स में जिसके अंदर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा उसका ज़्यादा नॉलेज, और रिसेंटली यदि कोई एडवांस रिसर्च हो रहा है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर तो उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इस तरीके से बच्चों टोटल 8 चैप्टर आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ना है, और इसके बाद हमें जो है प्रैक्टिकल कौन से करने हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लेटेस्ट प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट करेंगे, कोर्स एग्रीगेट की ग्रेड एनालिसिस करेंगे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की, उसके बाद हम लोग फ्लैकीनेस टेस्ट और एलोंगेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद टेस्ट ऑफ द क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, उसके बाद टेस्ट ऑफ द इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे, फिर डिटरमाइन द एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करेंगे बच्चों, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट के बाद फिर हम लोग उसके बाद सातवां जो है वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे, स्लम टेस्ट के लिए वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस वर्केबिलिटी ऑफ स्लम्प और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, बाद में ग्राफ एक डिसाइड करना है, फिर स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट करेंगे हम लोग, स्प्लिट सिलेंडर के लिए सिलेंडर की कास्टिंग करेंगे, उसके ऊपर हम लोगों को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लॉन्जिट्यूडनली लगा के, उसके बाद फिर पुल आउट टेस्ट करना है, फिर NDT टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर IS के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है पूरे में। लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविटी आपको क्या करना है, तो आपको जो है किसी साइट के ऊपर विजिट करके कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद आपको एक टॉपिक पे सेमिनार देना है, तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट की एक्टिविटी भी आपको दिखानी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों लिस्ट ऑफ द बुक कौन कौन सी होंगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अलग अलग बुक हैं, आप चाहो तो इसमें से कोई भी बुक एक रेफरेंस की तरीके से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ओवरव्यू कैसा लगा आप अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आपको जो है YouTube के ऊपर कमेंट करना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे के कोर्स आपको किस तरीके से चाहिए, तो उस तरीके से आप जो है मुझे बता सकते हो। यदि वीडियो जो है मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सके। तो आप यदि पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में काफ़ी ओवरव्यू देख लिया है, और इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।